तो हेलो गाइस, इसी से तुम्हारा भाई आ गया एकदम मजबूत अपडेट के साथ। तो आज हम बात करने वाले जिया शंकर और आशिका भाटिया के बारे में। तो रिसेंटली इनके फैंडम के बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, वो भी किस लिए, क्योंकि आशिका भाटिया ने आविया फैंडम के किसी बंदे को एकदम गंदा वाला रिप्लाई दिया। वो भी वो रिप्लाई इसलिए देती है क्योंकि वो बंदा आशिका भाटिया के पोस्ट में जाके उनको छपरी टिकटॉकर बोलता है। तो फिर इसके बाद जब आशिका भाटिया ने ये वाला रिप्लाई देखा छपरी टिकटॉकर वाला, तो आशिका भाटिया इस पे रिप्लाई करते हुए बोलती है तुम्हारी नागिन रिजेक्ट हो चुकी है हमारे दोस्त से। अब इस रिप्लाई में नागिन वो जिया शंकर को बोल रही है, तो इसी पे अविया फैंडम बहुत ज्यादा नाराज है आशिका भाटिया से। तो इसी के रिएक्शन में उनको बहुत ज्यादा हेट झेलना पड़ रहा है। उनके रिसेंट के पोस्ट पे इतनी सारे हेट कमेंट्स आई है, जिसमें से आपको मैं कुछ कमेंट पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला बंदरिया भाटिया, और उसी के बाद ये वाला जिसमें ये बंदी बोलती है छपरी आशिका भाटिया तेरा एग्जिस्टेंस ही क्या है बिग बॉस के बाद, इसलिए ये सब कर रही है कि लाइमलाइट में आ जाओ, शर्म करो शर्म। सबके आगे पीछे डोलती रही बस बिग बॉस के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। बस अब जिया शंकर के नाम पे फेमस होने की कोशिश करो छपरी कहीं की। पर भाई जब मैंने कमेंट सेक्शन नोटिस किया तो भाई एक ही अकाउंट 10-10, 20-20 कमेंट करके रखे हैं, और समझ लो कम से कम 10-12 अकाउंट ही होंगे जो कमेंट स्पैम कर रहे हैं। और इसी के बाद थोड़ी देर में जिया शंकर के सपोर्ट में ये वाला हैशटैग ट्रेंड में आ गया। तो कहीं सब आगे बढ़ते और आगे बढ़ के बात करते हैं वीर चौधरी के बारे में। तो रिसेंटली वीर चौधरी रिएक्ट करते हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप इसके पहले की वीडियो मेरी देख लो जाके कि उनके भी क्या हुआ। तो उसी पे रिएक्ट करते हुए वीर चौधरी एक वीडियो बनाते हैं, और वीडियो में क्या बोलते हैं चलो देखते। भाई सुना तूने दीपिका रणवीर? हाँ पापा की तबीयत ठीक है, वो हॉस्पिटल में है अभी। पर दीपिका रणवीर का सुना? नहीं यार, वो उनके वो माइनस है ना ब्लड ग्रुप, तो मिला नहीं। बट दीपिका ने क्या बोला? हाँ डॉक्टर ने बोला मर जाएंगे। बट तू दीपिका वाला सुना कि मजा आया भाई, कि इन बॉलीवुड वालों की लाइफ पता नहीं क्या यार, इनमें रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं है, इनको पता भी नहीं है क्या होता है, ये फैमिली क्या होती है, प्यार क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। हाँ हाँ पापा बुढ़े तो हो गए यार, 45 साल के हो गए उनका, क्या ही। तो गाइस आज के लिए बस इतना है, और अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर देना, दोनों में से एक जरूर कर देना। प्लीज सब्सक्राइब मार दो यार।